कि जिस समय विश्वामित्र जाकर के काशी में बताते हैं, आवाज लगाते हैं, और रानी तारावती को पता चलता है कि उसके बेटे रोहतास को नाग ने डस लिया, श्रोताओं इतना सुनते ही रानी तारावती बाघों की तरफ दौड़ लगा लेती है और जहां रोहतास पड़ा हुआ था रोहतास के पास पहुंच जाती है। आज अपने बेटे रोहतास की लाश को देख करके कहती है, मेरे बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू मुझे छोड़ के चला जाए। आइए अपने बेटे रोहतास की लाश की जड़ में बैठी है माँ तारावती और किस तरह से विलाप करती है, बाकी वाला सुनेंगे रागिनी के माध्यम से। नैना में ते आंसू पड़ते चढ़ बूंद साड़ के झड़ में जिस दम ते मां कया करे था सांस नहीं तेरे भाड़े में आंसू पड़ते खून सार के झड़ जिस दम ते मां कया करे था सांस नहीं तेरे भाड़े में आंसू को छोड़ा था तो मेरा सारा आसरा तेरे ऊपर था, मेरे जीने का आसरा तू ही था, अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। पहली बात में सुनेगा क्या बता दिया जीवेगा तेरे मरे की सुन के तेरा पिता मर जीवेगा तेरे मरे की सुन के ओ काया में तेरे चेहरे फैल गया लाकड़ हो गया ताड़ के दुनिया ताने दिया करेगी बेटा खा लिया जड़ के दुनिया ताने दिया करेगी बेटा खा लिया पड़ेगा बेटा। दूसरी बात में सुनिएगा क्या बता दिया काशी के मां रहन लाग के सब घर बार छूट के एक धन माया बाकी थी उन्हें ले गया नाग लूट के तेरी माता रोवे कद माता कवे उठ के
तेरी पैड़ा ने मां हम भी पड़ पड़े डोने।